मेरा नाम मजाज खान है और मैं एक टेररिस्ट हूँ। कौन सा ऐलान करने आ रहे हैं आप? एक ऐसा ऐलान जो तुम लोग सुन नहीं पाओगे। आपके कमजोर दिल इस ऐलान को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मुझे अबू की तरह जर्नलिस्ट बनना है ना, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सालों से मरियम को ढूंढता रहा पर उसकी कोई खबर नहीं है। कहां कहां नहीं ढूंढ रहा उसे, पर आज उस लड़की को जब देखा तो एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि उसे पूछ लूंगी, क्या तुम ही मरियम हो? इस ऐलान के बाद लोग हमारे नाम को कभी नहीं भूलेंगे। उनके दिलो दिमाग पर हमारा खौफ बना रहेगा। पर इस लड़की को जिंदा छोड़कर हमने ठीक नहीं किया। अगर ये हमारी गिरफ्त में होती तो पुलिस से बहुत कुछ मनवाया जा सकता था। लोगों के जहन में हम लोगों की दहशत बनी रहनी चाहिए। दहशत गोली चलाने से या बंदूक उठाने से नहीं होती, दहशत अपना इरादा मजबूत करने से होती है। अगर रोज रोज गोलियां चलेंगी लोगों को आदत हो जाएगी, और आदत बदलना मुश्किल है। फिर तुम्हारी गोलियों और बंदूकों का उन पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा अपना इरादा मजबूत रखो और अपनी नजर मंजिल पर। और अगर किसी को मौत का डर है या खुद पर यकीन नहीं है तो अपनी बंदूक यहां रख के जा सकता है। हमें हर कदम समझदारी से उठाना होगा। एक भी गलत कदम हमारे लिए भारी साबित हो सकता है। अपनी निगाहें मंजिल पर रखो और बंदूक अपने कंधे पर। तो ठीक से ना पुत्र है? फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाए। अरे मुझे याद आया, एक बार जाके उस मुंडे ने तो देखा, किस तरह है वो? पूछ रहा थे बंदा है ना पुत्र। और तू तो मैंने खुद कह रही सी कि तेरे लिए और तेरे अबू नाल लड़ पिया सी, है ना? जा पुत्र, मैनू लगता है मुंडा ना दिमाग दा गर्म है लेकिन दिल उदा बहुत चंगा है। जा वेख क्या, एक बार जा जा। अगर मंजीत को जरा भी खरोच आई ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो मैं हर बार समझने की कोशिश करती हूँ लेकिन हमेशा फेल हो जाती हूँ। तुम पर गुस्सा आता भी है और नहीं भी। तुम कितने अलग हो। अगर तुम जैसे इंसान से पहले कभी मिली होती तो शायद थोड़ा एक्सपीरियंस होता। बचपन वाले नन्हे में और अभी के फवाद में कितना फर्क है। इतना चेंज कैसे? Oh, yeah.
गेट वेल सून फवाद। अरे मरियम, तुम तो शहर की स्टार बन गई यार। ये देखो, हमारे फैंस उनसे मिलने के लिए आए। फैंस? आप तो सचमुच ही स्टार हो। ये आप सबसे अच्छी जर्नलिस्ट हो, और जिस हिसाब से आपने सिचुएशन हैंडल की, माय गॉड, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बात है, तारीफ ही तारीफ है। ओके, टाइम्स अप। अब हमारी जर्नलिस्ट का रिपोर्टिंग करने का टाइम है। धन्यवाद। पता है मरियम, बचपन में तुम जर्नलिज्म के पीछे पागल थी। घर के हर जगह, हर कोने में तुम रिपोर्टिंग करती थी। हम सबकी रिपोर्टिंग करती थी हर वक्त। याद है ना मरियम? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं बनना जर्नलिस्ट। मुझे जर्नलिज्म से नफरत है। आई हेट इट। हमारे परिवार को तोड़ दिया है इस प्रोफेशन ने। ऐसा मत बोलो मरियम, तुम्हें जर्नलिज्म से नफरत नहीं है, तुम्हें जर्नलिज्म से प्यार है। इसी जर्नलिज्म ने तुम्हें अब्बू तक पहुंचाया, उनसे मिलवाया, और उसी ने तो तुम्हें क्लू दी ना। और अल्लाह का करम रहा ना, तो तुम जल्द ही अब्बू से मिलोगी, और वो भी जर्नलिज्म के थ्रू। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते मरियम, अपने आप पे यकीन करो, आराम से सोचो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।